हेलो एवरीवन, टुडे इज सेकंड क्लास ऑफ डिटरमिनेंट्स। टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स के बारे में जो हमने प्रॉपर्टी पिछले क्लास में पढ़ा था, उसके हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में अभी अभी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। हमने तीन चार प्रॉपर्टी पढ़ा था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी डिटरमिनेंट्स का आपका लोअर, मतलब हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला वैल्यू जीरो हो या ऊपर वाला वैल्यू जीरो हो, तो ऐसे सिचुएशंस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ अपर और लोअर और डाई इन अपर लोअर ट्रीएंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। यहां क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। जैसे यहां से आप कर लो ऐसे, सपोज ये वैल्यू आपका क्या है, यहाँ का ए वन बी सी है, यहां हो गया डी ई एफ, यहां वैल्यू जीरो 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 है। तो इसका यदि हम लोग डिटरमिनेंट्स निकालेंगे या इसी को हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, मतलब प्रिंसिपल ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के नीचे में टोटल जीरो हो या ऊपर में जीरो हो, अर्थात क्या होगा, यहां ए बी सी डी ई एफ और यहां पर क्या है जीरो जीरो जीरो, ठीक है ना। या हम लोग कहें कि डायगोनल मैट्रिक्स हो लाइक दिस, ए बी सी जीरो 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 जीरो, तो इसका वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर आएगा, ए इंटू बी इंटू सी के। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स लाइक ए बी सी, या हम लोग ऐसे कहेंगे डायगोनल के नीचे में ऑल एलिमेंट्स या ऊपर में एलिमेंट्स ऑल जीरो हो जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ किसके बराबर होता है, ए बी सी के, अर्थात क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ए इंटू बी इंटू क्या हो गया सी। इसमें भी देख रहे हैं ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी मीन्स इट इज नॉट डिपेंड ऑन एफ ई एंड डी, ठीक है ना। यहां सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहता है कि जैसे किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम में टू एडिशन, जैसे ए बी सी ए वन बी वन सी वन है, यहां ए टू बी टू और यहां पर क्या है सी टू है, इसमें हम लोग मान लेते हैं के वन जुटा हुआ हो प्लस के टू जुटा हुआ हो प्लस क्या हो के थ्री हो, अर्थात हो रहा है क्या। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में टू एलिमेंट्स एडिटिव फॉर्म में हो या सब्स्टिट्यूटिव फॉर्म में हो, या तो जुटा हुआ हो या तो घटा हुआ हो, तो उस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जो होता है वह इंडिविजुअल अलग अलग जो होता है वह डिटरमिनेंट्स के वैल्यू के बराबर होता है, अर्थात क्या करेंगे कि इस एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे और इसका वैल्यू कितना के बराबर आ जाएगा, तो कहेंगे ए वन यहां पर क्या होगा ए टू और यहां से सेकेंड वाला होगा बी वन या बी बी वन बी टू सी सी सी, यहां सी वन और यहां क्या होगा सी टू प्लस, यहां से देखिए सेकेंड फर्स्ट को हम लोग क्या किए इसको ब्रेक कर दे रहे हैं, यहां से वैल्यू आएगा के वन के टू के थ्री और यहां होगा बी बी वन बी टू
सी सी और यहां पर क्या होगा सी टू लाइक दिस। तो ये जो हो गया इसकी सिक्स प्रॉपर्टी हो गए। सिक्स प्रॉपर्टी में क्या देखे कि डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो या दो से अधिक टर्म या दो टर्म एडिटिव फॉर्म में हो तो उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू जो होता है यह इंडिविजुअल्स दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये सिक्स प्रॉपर्टी थी। हम इसको क्या कर सकते हैं कि एग्जांपल्स के आधार पर रिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर सेवन, सेवन में क्या है, जैसे मान लेते हैं कहते हैं कि कोई आपका एक डिटरमिनेंट्स लाइक दिस हो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अर्थात क्या हो गया है वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री। तो यहां पर कहता है ए डिटरमिनेंट्स जो होगा किसी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम लोग क्या कर सकते हैं अनदर वाले रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या मल्टीप्लाई करके और यदि किसी किसी रो या कॉलम में जब ऐड करेंगे तो वैल्यू डिटरमिनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं समझा रहा हूं यहां, जैसे मान लेते हैं सपोज यहां इसमें ऑपरेशन करने हैं ए वन और इसमें हम लोग देख रहे हैं ना दिस इज योर क्या है ये आपका है कॉलम नंबर टू। तो ऑपरेशन यहां कर रहा हूं कॉलम टू में हम लोग क्या कर रहे हैं कॉलम फर्स्ट में ऑपरेशन कर रहे हैं किससे तो के वन और इंटू क्या हो गया कॉलम टू मतलब यहां पर हो गया सी टू और यहां प्लस क्या होगा के वन हो गया यहां पर के कहिए और यहां पर मान लेते हैं के वन और के वन इसको मान लेते हैं सी थ्री तो कोई फर्क इसे नहीं पड़ेगा। जैसे यहां ध्यान दीजिए यहां हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेशंस कर रहे हैं तो सेकंड टर्म में कुछ तो कुछ नहीं कर रहे हैं ऑपरेशंस किसमें हो रहा है सी वन में तो फर्स्ट क्या होगा बी वन सी वन बी टू सी टू बी थ्री एंड क्या होगा सी थ्री इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ऑपरेशंस किसमें हो रहे हैं सी वन में अर्थात इसमें हो रहा है इस रो में इस कॉलम में तो इस कॉलम में पहले क्या कर रहा है देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐड कर रहे हैं सी वन इक्वल टू सी वन प्लस तो सी वन का वैल्यू कितना हो गया यहाँ ए इसमें हम लोग के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के वन सी टू की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू लिखा हुआ है बी वन वेरी गुड क्या होगा बी वन और के टू की जगह पर क्या लिखा हुआ है देखिए सी यहाँ के टू वही रहेगा लेकिन यहाँ सी थ्री की जगह पर क्या होगा सी वन ऐसा हो जाए। तो ये जो ऑपरेशन होगा दैट इज क्या होगा के वन बी वन और यहां पर क्या होगा के टू सी वन इसी तरह से यहां पर क्या होगा ए टू प्लस के वन इंटू बी टू सेम रूल हम लोग फॉलो करेंगे और प्लस क्या होगा के टू इंटू क्या होगा सी टू इसी तरह से होगा ए थ्री प्लस के वन इंटू बी थ्री प्लस के टू इंटू क्या होगा सी थ्री। तो ऐसे करने से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परंतु जब हम लोग किसी भी एक रो में इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे या सब्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होगा चेंज हो जाएगा। क्लियर। यहां से अब कुछ एग्जांपल देखता हूं। जैसे एग्जांपल यहां से हमें छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं डेल्टा इक्वल्स टू वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर दैट इज कॉल्ड साइक्लिक। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटर। करेंगे क्या हम लोग ऐसे सिचुएशंस में देखिए हमें क्या ऑपरेशंस करने हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम जब टारगेट चलते हैं तो बेसिकली दो एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं कंसेक्यूटिव या किसी रो में या किसी इंडिविजुअल कॉलम में हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं जीरो करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ऑपरेशंस करेंगे तो फर्स्ट रो में से ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में से सेकंड घटाएंगे तो यहाँ जीरो आ गया और सेकंड रो में से थर्ड घटाएंगे तो यहाँ जीरो आएगा। अर्थात क्या होगा कि रो वन में क्या करेंगे रो वन माइनस रो टू करेंगे और रो टू में ऑपरेशंस कर रहे हैं तो रो टू माइनस किससे क्या करेंगे रो थ्री। देखिए सबसे पहले ऑपरेशंस कीजिए यहां ऑपरेशन करेंगे तो वन में से वन जाएगा तो क्या होगा जीरो ए में से बी जाएगा तो क्या होगा ए माइनस बी यहां क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां से क्या होगा वन माइनस वन जीरो बी माइनस क्या होगा सी
और यहाँ क्या होगा बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थर्ड वाला कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं इसलिए क्या होगा वन सी और यहाँ पर क्या होगा सी ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे किसी भी इंडिविजुअल रो में या किसी कॉलम में यदि कोई टर्म अवेलेबल हो तो उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे। देख रहे हैं ना ए माइनस बी इसमें भी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी माइनस बी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ए माइनस बी कॉमन कर लेंगे और इसमें बी माइनस सी कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होंगे जीरो वन और यहाँ क्या होगा ए प्लस बी। सेकेंड में क्या होगा जीरो वन बी प्लस सी और लास्ट और अंतिम जो है वन सी और यहाँ पर क्या होगा सी स्क्वायर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको किसमें एक्सपेंड करेंगे ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे डेफिनेटली ऐसे करेंगे। क्यों करेंगे क्योंकि ऐसे करने से आपको क्या होगा आसानी होगा। अब यहाँ पर हमारा दो एलिमेंट वैसे जीरो हो गया तो जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा ए माइनस बी बी माइनस सी इसके अलाउ हमको करना है तो वन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा वन ए प्लस बी वन और यहाँ पर क्या होगा बी प्लस सी। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लाएंगे ए माइनस बी बी माइनस सी और यहां से हम लोग जब वैल्यू लिखेंगे तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी यहां से क्या होगा बी और बी कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस क्या होगा ए आएगा। ठीक है तो ये आपका हो गया फर्स्ट बेसिक एग्जाम्पल जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं डिटरमिनेंट से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है यहां पर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं इसी को कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे फाइंड करते जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर टू इसका वैल्यू डिटरमिनेंट्स करना है डेल्टा इक्वल्स लिखा हुआ है 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 इसका वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे एक मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है लेकिन ये प्रूव करेंगे तो क्या होगा हमें मैथमेटिकली मैनिपुलेशंस ज्यादा करने होंगे ज्यादा ऑपरेशंस जो होगा वो एक्सट्रीकेटेड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे कि जनरली हम लोग दो जीरो लाएंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि जिससे इसका वैल्यू निकालना आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे या तो रो में से घटा सकते हैं या तो कॉलम में से। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं रो में से घटा दे रहे हैं रो वन माइनस घटा दे रहे हैं रो वन माइनस रो टू। ठीक है और रो टू माइनस क्या होगा रो थ्री करिए करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 12 में से 13 जाएगा तो माइनस वन 15 में से 16 जाएगा तो माइनस वन 18 में से 19 जाएगा तो माइनस वन। सेम थिंग क्या होगा 13 में से 14 जाएगा तो क्या होगा माइनस वन यहाँ माइनस वन और ये क्या होगा आपका माइनस वन यहाँ होगा 14 17 और दिस इज योर 20 इसमें। अब इसका वैल्यू कोई बता सकते हो क्या वैल्यू होगा बताइए। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि किसी डिटरमिनेंट्स के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि सेम हो तो ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू क्या होता है जीरो। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। देखिए ये वाला आएगा दोनों जीरो दोनों सेम है ना इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गया जीरो। क्लियर यहां से ऑपरेशंस लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग एक और भी आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल टू हो गया यहां पर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं थ्री। सपोज डेल्टा इक्वल्स टू है आपका वन ए ए स्क्वायर ए क्यू है वन बी ए स्क्वायर बी क्यू है वन सी ए स्क्वायर और यहां पर क्या है सी क्यू है। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करेंगे तो सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे आप लोग इसको कर सकते हो घर से आप लोग कर लीजिएगा। बेसिकली करेंगे क्या हम लोग फर्स्ट में से सेकंड फर्स्ट इसमें से सब्सट्रैक्ट करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है इसका वैल्यू निकाला जा सकता है इजीली। हमें बेसिकली करना क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं ये आप लोग कर लीजिएगा यहां से डेल्टा इक्वल्स टू यहां है ए ऐसा क्वेश्चन कर लीजिए
एक मिनट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं। ए ए स्क्वायर प्लस वन बी सी और यहां क्या होगा सी ए, यहां ए भी कहिए ए बी, यहां क्या होगा बी सी और यहां है सी ए, यहां पर भी क्या है ए बी, यहां पर क्या है आपका बी सी और यहां क्या है सी ए, यहां पर आपका है बी ए स्क्वायर प्लस वन सी ए स्क्वायर प्लस वन और इसका वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है बेसिकली ए बी ए सी ए बी ए सी, अच्छा यहां पर ए सी सॉरी, यहां आप ए सी ले लो और यहां क्या ले लो बी सी, यहां हम लोग क्या ले लेंगे ए, यहां ले लेंगे क्या, तो यहां होगा आपका ए बी तो सही है, यहां ए सी है तो यहां भी क्या होगा ए सी होगा परंतु यहां पर क्या है बी सी। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय हम लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात यहां ये है कि इसमें देखिए हमारा टारगेट क्या है कि इसमें आपको प्रूफ करने हैं वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू हमें लाना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसमें गौर कीजिए, इसमें देखिए फर्स्ट रो में देखिए क्या यहाँ ए स्क्वायर प्लस वन है, लेकिन इसमें ए स्क्वायर कहीं है नहीं है, इसी तरह से यहाँ देखिए इसमें बी स्क्वायर है लेकिन और इसमें बी स्क्वायर है नहीं है, इसमें है कहा देखिए यहाँ पर नहीं है, लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अपने दिमाग लगा करके आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है ए स्क्वायर बी है, यहां ए, यहां ए बी है, यहां ए सी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है ए कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करने से फायदा क्या होगा कि इसमें अभी आपका ए स्क्वायर मिल जाएगा यहां भी ए स्क्वायर मिल जाएगा। सेकेंड में क्या है ए बी और बी सी है, तो दोनों में कॉमन क्या है बताइए बी है, तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या होगा सी से। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट में रो वन, रो वन में किसे मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ ए इंटू रो वन से, रो टू में मल्टीप्लाई क्या करेंगे बताइए बी इंटू रो टू से, और यहां रो थ्री में किसे मल्टीप्लाई करेंगे सी इंटू रो थ्री से। अच्छा किसी किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप ऐसे कर रहे हैं क्या, मैं ऐसे देखिए यहां इसमें ए बी और ए सी है तो इसमें भी तो कुछ कॉमन है, भी तो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कर सकते हैं, फर्स्ट हम लोग कॉलम में किसे मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, दोनों में कॉमन क्या है बी, तो हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे कर लेंगे सी से, क्यों क्योंकि टारगेट मेरा ये है। तो यहां जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट में कितना रहेगा ए गुना ए स्क्वायर प्लस वन, यहां होगा ए स्क्वायर बी और यहां होगा ए स्क्वायर सी, सेकेंड में क्या होगा ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन और यहां होगा बी स्क्वायर सी, इसमें होगा आपका ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और यहां पर क्या होगा सी गुने सी स्क्वायर प्लस वन। अब थोड़ा सा आप लोग बताइए कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को जब लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू उतना ही टाइम्स हो जाता है। तो बताइए इसमें आपने ए से मल्टीप्लाई किया है तो इसका वैल्यू कितना गुना हो गया ए गुना, मतलब पहले मान लेते हैं कि 25 लिख हुआ था और अभी यहाँ ए का मतलब 2 है तो अब 25 गुने के 50 हो गया, तो ये सही है, रिजल्ट में क्या होगा फर्क पड़ जाएगा, तो इसको नहीं फर्क करने के लिए क्या करेंगे जितना हम लिए हैं उतना ही रिटर्न कर देंगे, कैसे डिवाइड करके, तो यहां हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे, तो वन बाय ए इंटू बी इंटू सी से, यहां हो गया प्रेजेंस। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्टेप देखिए इधर में कुछ कॉमन है क्या, इसमें कुछ कॉमन है, यहां भी ए है यहां भी ए है यहां भी ए है, इसमें बी 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 है इसमें सी 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 है, कॉमन कर लेंगे, जैसे ही कॉमन करेंगे तो ए बी सी कॉमन होगा, नीचे में होगा ए बी सी, ऊपर में क्या होगा यहां होगा ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां होगा आपका बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर,
यहाँ क्या होगा सी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर प्लस क्या होगा वन। देखिए ये दोनों क्या होगी कैंसिल आउट। अब आपका टारगेट क्या है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम जब इधर में चलते हैं तो क्या होगा थ्री ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर प्लस वन। तो हम लोग टारगेट अचीव कर पाएंगे नहीं करेंगे तो क्या करना होगा ऑपरेशन नाम करने होंगे। तो ऑपरेशन हम लोग क्या करेंगे कॉलम में करेंगे कि रो में करेंगे रो में ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि रो फर्स्ट में नेक्स्ट स्टेप में रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री एड कर देंगे। एड करेंगे तो क्या होगा इस तीनों को एड जब करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। फर्स्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन इसमें भी सेम आएगा इसमें भी सेम आएगा। तो कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन और यहाँ होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। इसमें क्या होगा तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेंगे अर्थात क्या होगा बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है अब हम लोग देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये तीनों में कॉमन है तो बाहर कर लेंगे तो वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। कॉमन करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा वन 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 बी स्क्वायर प्लस वन यहाँ होगा बी स्क्वायर यहाँ होगा सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस वन। हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालेंगे सोल्यूशन निकालना बहुत ईजी है। कैसे हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम घटा लेंगे क्यों क्योंकि आपका टारगेट है एटलीस्ट टू जीरो कोई रो में या कोई दो कॉलम में लाना था। सबसे आसान हमारे लिए क्या होगा एक में से घटाना आसान है इसमें से दो घटा लेंगे इसमें से घटा लेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आपका क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप क्या हम लोग करेंगे फर्स्ट में से क्या घटा लेंगे इसका मतलब जीरो जीरो वन इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा माइनस वन इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा प्लस वन यहाँ होगा सी स्क्वायर में सी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा जीरो। ठीक है ना इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा माइनस वन और यहाँ होगा सी स्क्वायर प्लस वन यहाँ होगा बी स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन कितना होगा ऊपर वाला टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस क्या होगा वन। क्लियर क्या हमने किया ऑपरेशन लिखना बहुत जरूरी है राइट साइड में ऑपरेशन लिखेंगे क्या तो हमने C1 में से C1 माइनस C2 किया और C2 में से हम लोग क्या किए C3 को घटाया। देखिए 1 में से 1 घटाया तो 0 बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस 1 घटाएंगे तो माइनस 1 सी स्क्वायर में से स्क्वायर घटाएंगे तो 0 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बी स्क्वायर प्लस 1 में से भी घटाएंगे तो बी स्क्वायर कट जाएगा 1 आएगा वैल्यू इसमें से घटाएंगे तो माइनस 1। ठीक है ना अब इसको हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे यही पर एक्सपेंड हो जाएगा तो इसके हम एक्सपेंड कर देंगे ये कैसे हो जाएगा इसके करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन और इनटू क्या होगा माइनस वन वन जीरो और माइनस वन इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू कितना आएगा वन दैट इज टू। ठीक है ना तो हम लोग ऐसे आगे क्या करेंगे बढ़ेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं फर्स्ट आप लोग इसको लिखिए यहां जैसे डेल्टा इक्वल्स टू है वन यहां है आपका ए स्क्वायर या इसको आप लोग कह दीजिए ए। ठीक है ना वहां वन ए और यहां क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी सी वन बी बी स्क्वायर माइनस सी ए वन सी और यहां पर क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए बी इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं पहले हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है उससे भी कर सकते हैं या चूंकि हम लोग को डायरेक्ट मिल रहा है ना तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे घटा लेंगे। जब हम लोग करेंगे तो वैल्यू क्या होगा डायरेक्टली यहां से वैल्यू क्या होगा वन माइनस वन क्या होगा जीरो या इसको अलग भी कर सकते हैं जब अलग अलग करेंगे तो वैल्यू क्या होगा मेथड वन हम लोग जब सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या होगा इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा जीरो वन यहां से क्या होगा इससे से घटाएंगे तो a माइनस बी बी माइनस सी सी
यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा माइनस बी सी, माइनस माइनस क्या होगा प्लस सी ए। यहां होगा आपका बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, और प्लस क्या होगा ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दिख रहा है ना ए बी ए बी ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन कर लेंगे, इसमें भी बी सी हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो वैल्यू क्या होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी जब कॉमन करेंगे तो जीरो जीरो वन, यहां पर कितना होगा वन वन, यहां होगा सी। अब यहां से देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो सी स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी। हमने ऑपरेशन क्या किया, तो कॉलम रो वन में से रो टू घटाया और रो टू में से हम लोग किसको घटाए हैं रो थ्री को, ऑपरेशन में से लिखना है। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ए माइनस बी जब कॉमन कर लिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसको हम लोग जब सन करेंगे तो माइनस बी का बी को माइनस बी कॉमन कर लेंगे, माइनस बी कॉमन करेंगे तो वैल्यू क्या होगा ए बचा प्लस बी कर लीजिएगा तो क्या होगा ए माइनस बी। तो यहां से क्या होगा कि ये जो कॉमन हो गया, देखिए ए माइनस बी जब दोनों में कॉमन हो गया तो इसका वैल्यू कितना होगा ए प्लस बी बचे, यहां पर देखिए ए माइनस बी कॉमन हो गया तो यहां पर क्या बचेगा ए प्लस बी, और दोनों में क्या कॉमन था सी ना, देखिए दोनों में क्या है सी है, तो यहां सी तो प्लस सी होगा। इसी तरह से यहां से वैल्यू क्या होगा बी प्लस सी, ठीक है। इस दोनों में आप देखो यहां ए ये दोनों में कॉमन करने को बी माइनस सी आ रहा है, तो यहां क्या होगा ए। अब आप देखिए कि जीरो वन ए प्लस बी प्लस सी, जीरो वन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब दोनों इसका वैल्यू क्या है आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा जीरो, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा जीरो। व्हाई, बिकॉज आर वन इज जस्ट इक्विवेलेंट टू क्या होगा आर टू, जैसे ही दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि और इसके नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ इससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे हैंडल करेंगे बनाएंगे, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए और दूसरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन अलग को भी प्राप्त हो, ठीक है। थैंक यू।